देखिए भाई, हर एक साल हमारे इंडिया में एक नेशनल फिल्म अवार्ड सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जो डिजर्विंग फिल्म या आर्टिस्ट होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिलती है। और इस बार का नेशनल अवार्ड के सारे विनर्स का नाम सामने आ चुका है। सो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। जहाँ तो पहले आपको बता दूं, राजा मलेश्वर की आर्य फिल्म को पूरे 6 कैटेगरी में अवार्ड मिल चुका है। जी हाँ भाई, बेस्ट पॉपुलर फिल्म आर्यर को ही मिला है। फिर उसके बाद बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एम किराबाणी जी को मिला, और उसके बाद बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट स्टंट मास्टर किंग सुलेमान को, फिर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट यानी विजुअल वाला अवार्ड श्रीनिवास मोहन को मिला है, जो आर्यर के टीम में है। यानी कि इस बार का 6 नेशनल अवार्ड रामचरण एनटीआर के फिल्म ने ले ली है, लेकिन जो मेन अवार्ड है बेस्ट एक्टर का, वो किसी और को मिल गया है। देखिए, सबने उम्मीद लगाया था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड एनटीआर को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने उस लेवल का काम भी किए थे आर्यर फिल्म में। बट कोई नहीं, ये वाला अवार्ड तेलुगु सिनेमा के पास ही पहुँच गया है, वो अभी अल्लू अर्जुन को अपने बनी साहब को पुष्पा का कैरेक्टर निभाने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और मजे की बात यह है, अल्लू अर्जुन तेलुगु के पहले स्टार हैं जिन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है। इससे पहले तेलुगु का कोई भी स्टार नेशनल अवार्ड में विनर नहीं बना था पिछले 70 साल से। लेकिन अब पहली बार बने जाएंगे अवार्ड लेने नेशनल लेवल का। और इनके अलावा आलिया भट्ट और कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है उनकी गंगूबाई और मिमी फिल्म के लिए, जो सही में दोनों डिजर्विंग विनर हैं। दोनों लोगों ने अच्छा काम किया था अपने अपने फिल्म में। और इनके बाद बेस्ट तमिल फिल्म का नेशनल अवार्ड कदासी विभासी फिल्म को मिला है, जो एक्चुअल में विजय सेतुपति, माया नंदी और योगी बाबू की फिल्म है। देखिए, फिर बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड उपेना को मिला है, और ये फिल्म वैष्णव तेज और कृति सेठी की है, और इसको डायरेक्ट की है बुच्चू बाबू सेना। जी हाँ, अब ये रामचरण के डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनर हो चुके हैं। पक्का RC16 में भी नेशनल लेवल का कंटेंट ये डालेंगे। फिर उसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड हिंदी में भी 2 फिल्म को मिला है। पहला आर माधवन की रॉकेट्री को, और दूसरा सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह फिल्म को। फिर उसके बाद बेस्ट कनाडा फिल्म का अवार्ड रक्षित सेठी का 7 7 चार्ली फिल्म को दिया गया है। भाई, इन सब फिल्मों के अलावा भी और भी अवार्ड दिया गया है बाकी फिल्मों को, इसलिए कुछ मुझसे मिसिंग भी हो चुका होगा इस लिस्ट में। बाकी ये तो क्लियर है, इस बार नेशनल अवार्ड में सबसे ज्यादा डोमिनेंस तेलुगु सिनेमा का है। अब की तेलुगु में कम से कम 10-12 कैटेगरी में अवार्ड गया है नेशनल लेवल का। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार का नेशनल अवार्ड में सब कोई डिजर्विंग विनर है या नहीं? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर देना, और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।